अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.8 का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, नंबर का जो डिफरेंस है यानी नंबर्स का जो डिफरेंस है किससे एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर इज एक्स, जो हम सपोज करते हैं जिसके हमने वैल्यू निकालनी होती है उसको एक्स या वाई कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने एक्स नाम दे दिया, नंबर को तो हमने एक्स कह दिया। फिर उसने रेसिप्रोकल की बात की है तो हम तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, नंबर अगर एक्स है इट्स रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा वन ओवर एक्स। ऐसे ही होता है ना, ये थोड़ा गलत लिख लिया, वन ओवर एक्स, ठीक है ना। नंबर हमने सपोज किया कि वो एक्स है, उसका जो रेसिप्रोकल है वो वन ओवर एक्स है। अब ये दो चीज़ें आ गई। अब हमने क्या बनानी है, अब हमने इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट को पढ़ के। दी डिफरेंस माइनस ऑफ अ नंबर, इस नंबर का एंड इट्स रेसिप्रोकल, अपने रेसिप्रोकल से इज 15/4। यानी कि नंबर में से जो डिफरेंस है उसके रेसिप्रोकल से वो किसके इक्वल है, 15/4 के। बात समझ आई? यानी हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बना ली, और हमारा मकसद ही इक्वेशन बनाना होता है ताकि इक्वेशन बन सके, फिर उसको हम फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकें, और ये हमारा सोल्यूशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि इक्वेशन बनाना है, यहाँ एक्स नीचे है, फोर भी नीचे है, तो दोनों तरफ हम 4x से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि एक्स भी ख़त्म हो जाए और फोर भी ख़त्म हो जाए। तो इस टर्म के साथ 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो एक्स वैसे ही लिख दिया, माइनस यहाँ फिर 4x से किया, और यहाँ वन ओवर एक्स पहले ही आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ भी 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी पूरे जितने भी टर्म्स थे उन सब से अलग अलग हमने 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। 4x से क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ x था और यहाँ 4 था, तो 4 और x दोनों डिनोमिनेटर को हमने ख़त्म करना था। हम डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने 4x से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया, 4x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x2। ये x x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस 4 वन ज़ार क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 4 से कट जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15x, ठीक है। 15x को इधर लेके आएंगे, हमारे पास 4x2, 15x इधर आएगा तो माइनस 15x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखें आपकी वो तीन टर्म बन गई, जिन तीन टर्म को हम देख के फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का क्या तरीका है, पहली और आखिरी टर्म को एज इट इज़ लिख लो, 4x2 और माइनस 4 को हमने वैसे ही लिख लिया। अब बीच वाली एक टर्म से हमने ऐसी दो टर्म बनानी है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही वैल्यू है, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर हो जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आए, ठीक है। अब 4x2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 6 माइनस 16x2। अब माइनस 16x2 हमने बनाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस 16x और प्लस 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 16x में से 1x, ये देखें यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 16x में से 1x जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 15x। यानी माइनस 15x से हमने जो दो टर्म बनी हैं जिन्हें हम ऐड करें तो माइनस 15x ही आता है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सेम बात है, तो माइनस 15x है, तो एक बात तो हमारी प्रूव हो गई। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस 16x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस 16x2, वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो वो भी माइनस 16x2 आता है, इन दो को मल्टीप्लाई करो तो भी माइनस 16x2 आता है। मुझे यकीन है अब आपको फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से आ गई होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना है कि इन दो टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 4 और x कॉमन है,
फोर एक्स चला गया, बाकी एक्स बच गया माइनस, तो यहाँ फोर आ गया, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन ले लेते हैं, अंदर एक्स माइनस फोर आ गया। अब ये दो जो फैक्टर हैं ये अगर सेम है तो इसका मतलब है कि हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। तो x माइनस फोर, यहाँ भी x माइनस फोर है, तो x माइनस फोर पूरा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया, फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्स प्लस वन को हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब ये दो टर्म हैं दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो इक्वल ज़ीरो के आ रहा है, तो इसका मतलब है या ये वैल्यू ज़ीरो की इक्वल है या ये वैल्यू ज़ीरो की इक्वल है। तो x माइनस फोर को पहले ज़ीरो के इक्वल करते हैं और x की वैल्यू निकल आएगी फोर। इसी तरह फोर एक्स प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल करते हैं, उधर जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन ओवर फोर, ये x की दो वैल्यूज़ आ गई और यही दोनों आंसर हैं। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, यानी कि नंबर या तो फोर होगा, इसका मतलब क्या है, एंड में हम लिख लें नंबर इज इधर फोर आर माइनस वन ओवर फोर, और ये हमारा आंसर है, या नंबर फोर फोर है या वो नंबर माइनस वन ओवर फोर है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका हो चुका है, ये हम मैथ टेन का यूनिट नंबर टू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसमें x की पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी होती है ताकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसको, जैसे ये बन गई है उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान होता है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में उसने कहा है फाइंड टू इंटीजर्स, हमने दो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं whose difference is, जिनका जो difference है यानी जिनको, जिन दो integers को हम लेंगे उनको अगर minus करें, subtract करें, difference लें, is 4, यानी कि उन दो integers को minus करें तो वो किसके equal आता है, 4 के, and whose squares, अगर उन दोनों integers का square लें, उन दोनों इंटीजर्स का स्केयर लें, डिफर बाय 72, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 72 के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले ये सारा कुछ लिख लिया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो लिखने में, मैं लिखूं तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट इंटीजर्स आर, क्योंकि दो इंटीजर्स की बात हुई थी तो हमने सपोज कर लिए कि दो इंटीजर में एक इंटीजर एक्स है और दूसरा इंटीजर वाई है। Let integers are x and y, ठीक है, according to given condition, given condition क्या थी कि ये जो जो integers हमने लिए हैं उनका difference लें तो वो 4 के equal आते हैं, तो x minus y is equal to 4, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। दूसरा था and whose square differ by 72, अगर उन दो integer का square लें यानी कि x का square लें और y का square लें, उनको differ करें यानी माइनस करें तो वो किसके इक्वल आता है, वो 72 के इक्वल आता है, तो ये मैंने दो का नाम दे दिया। ये दो इक्वेशन हमारी क्वेश्चन से ही बन गई हैं, ठीक है ना, एक को हमने फर्स्ट का नाम दिया, दूसरे को हमने सेकंड का नाम दिया। अब हम कह रहे हैं बाय वन, वन को हम यूज़ कर रहे हैं, एक्स को इधर ही रहने दिया और वाई को उधर लेके गए हैं, तो फोर प्लस वाई हो गया, और इसको मैंने थ्री का नाम दे दिया। ये सारा काम किस लिए, ताकि हम टू में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x ख़त्म हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। असल में मकसद ये है कि दो जो हमने इंटीजर्स पोज किए हैं x और y, उनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई कर दिया, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन टू, टू में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जगह पे 4 प्लस वाई का स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72, ए प्लस बी का होल स्केयर, यहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं, ए स्केयर यानी कि 4 का स्केयर 16 प्लस बी स्केयर, वाई क्या है हमारे पास, बी है, तो ये वाई का स्केयर आ जाएगा प्लस 2ab, 2 ए और बी, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y हो जाएगा। यहाँ हमने
या हमने फार्मूला यूज़ किया है, ये इससे ये तीन टर्म बन गई फार्मूले के मुताबिक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 72 भी वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब 8y वैसे का वैसे, और यहाँ हमने क्या किया, उधर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट गया, 16 के साथ प्लस है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16 आ गया। ठीक है, तो 8y वैसे का वैसे 72 में से 16 माइनस होगा तो 56 आ जाएगा, यहाँ 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू, ये जब कटेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है ना, अब y की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है जिसको हमने 3 का नाम दिया था। अब यहाँ पे हम अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, बाय 3 x इज इक्वल टू 4 प्लस y, y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया, 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 11, x इज इक्वल टू 11, सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 7 एंड 11, x की वैल्यू क्या निकली है, 11 निकली है, और y की वैल्यू क्या निकली है, 7 निकली है। तो हमने x और y ही फाइंड आउट करने थे और ये हमारे फाइंड आउट हो गए हैं, और यहाँ आप लिख लो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की हमने डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो ये जो लेंथ और विड्थ हैं इसको डायमेंशंस कहते हैं। फाइंड डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की हमने डायमेंशन निकालनी है हुज पैरामीटर इज 8 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का एक बाकायदा फार्मूला होता है, वो होता है 2 × x + y इज इक्वल टू, तो वो उसने क्या दिया 80 सेंटीमीटर के बराबर है, एंड इट्स एरिया इज, एरिया भी बता दिया वो 375 सेंटीमीटर² के बराबर है। अब हमें पैरामीटर का भी फार्मूला आता है और एरिया का भी फार्मूला आता है, तो वो हम पुट करके इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या होगा सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, लेट जो रेक्टेंगल की लेंथ है इसको हमने क्या सपोज कर लिया कि वो एक्स है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो क्या है, वाई है, ये जो लेंथ है ये एक्स हो जाएगी और ये वाली लेंथ वाई हो जाएगी। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट देने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम बना रही हूँ, वरना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x कह दिया, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y कह दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, पैरामीटर का आपको फार्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है याद तो आप याद कर लो, पैरामीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो बराबर होता है 2 × x + y। x लेंथ हो गई, y विड्थ हो गई, लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। वैसे भी आपको पता हो, देखें ये विड्थ है, यहाँ भी y होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो ये x होगा, तो x और y को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा ही पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर का यही फार्मूला है 2 × x + y। पैरामीटर क्या होता है, पूरा पूरी जगह यानी पूरी लेंथ पूरी विड्थ जिस पे उसने पूरा कब्जा किया हुआ है वो वाली जगह। तो इसलिए इसका फार्मूला हमें पता है, पैरामीटर किसके बराबर होता है 2 × x + y। तो 2 × x + y किसके इक्वल है, 80 सेंटीमीटर के बराबर है, उसने बता दिया, हमने इक्वल टू 80 सेंटीमीटर कर दिया और इसको 1 का नाम दे दिया। फिर उसने कहा एरिया जो है, एरिया 375 सेंटीमीटर² के बराबर है। एरिया हमें कैसे पता चलता है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हो, लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है, तो एक्स वाई किसके बराबर है, 375 सेंटीमीटर² के बराबर है, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, बाय 1, हम 1 को यूज़ कर रहे हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 80 पे जब 2 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, y को उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ 2-3 स्टेप्स छोड़ के ये काम किया हुआ है, आपको पता चल गया है हमने 2 को पहले डिवाइड किया और फिर y को उधर लेके गए हैं, तो ये वाली शक्ल बन गई है, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। आगे काम करना बहुत ही आसान है, यहाँ तक थोड़ा मुश्किल था, उसके बाद अब बहुत ही आसान है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, 2 में पुट कर देंगे, जहाँ x होगा वहाँ हम 40 माइनस वाई पुट कर देंगे, फिर y है इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर² है। अब क्या है, y को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y² माइनस 40y हो जाएगा, ये 375 है,
375 को हम ये हमने क्या किया है, पहले y को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40y माइनस y स्क्वायर है, तो माइनस y स्क्वायर था, y स्क्वायर को प्लस में होना चाहिए था, तो y स्क्वायर को उधर लेके गए हैं, 375 वैसे ही खड़ा रहा, y स्क्वायर को उधर लेके गए, माइनस y स्क्वायर उधर जाके प्लस y स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 40y था उधर जाके माइनस 40y हो गया, फिर हमने इस तरह लिख लिया इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात समझ आ गई, यानी ये सारी वैल्यूज़ y को इससे मल्टीप्लाई करके, y को इससे मल्टीप्लाई करके उधर लेके गए हैं, उधर लेके जीरो इक्वल टू ये वैल्यू आ गई है, तो हमने इसको इधर इस तरह लिख लिया। आपको पता है y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल टू जीरो हो, ये जीरो इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 हो, तो बात एक ही है, जीरो इसके इक्वल हो या ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तमाम वैल्यूज़ उधर गई हैं तो जीरो इधर रह गया था, हमने फिर से इसको इस शक्ल में लिख लिया। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद हमने जस्ट फैक्टराइज़ किया, फैक्टराइज़ करके हमने कॉमन लिया इन दो टर्म में से, इन दो टर्म में से कॉमन लेने के बाद फिर ये पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया वाई माइनस 25 को जीरो के इक्वल किया, वाई माइनस 15 को जीरो के इक्वल किया, 25 उधर गया वाई की वैल्यू आ गई, 15 उधर गया तो वाई की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, 3 में क्योंकि वाई की वैल्यूज़ दो निकल आई हैं तो अब हम 3 इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस y की वैल्यू, पहले 25 पुट की तो x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू जब 15 पुट की तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब लेंथ हमारे पास 15 होगी तो विड्थ हमारे पास 25 होगी, और जब लेंथ हमारे पास 25 होगी तो विड्थ हमारे पास 15 होगी, तो इसलिए लेंथ हमेशा बड़ी होती है, तो इसलिए हमने वो कर लिया, बता दिया, सो लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर है और विड्थ क्या है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर हो गई और ये जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यूज़ निकाल लिए और यही हमने काम करना था, x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी थी, और इसके बाद आप लिख लो आंसर और नीचे निशान लगा दो कि हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है, एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में इसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज़।